भाई जिस इसको इसी का नाम पता है, इस ब्रांड का, इस कंपनी का नाम पता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। हमने क्लीनिंग कर रहे हैं। ये लुधियाना फेस्टिवल होता है यहाँ पर, हर रोज होता है यहाँ पे, गवर्नमेंट पे करती है इसको। तो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक बढ़िया होंगे एकदम। तो गाइस, आज है डे 3 और अभी टाइम हो रहा है आपका 11 और हमें उठे अभी। यहाँ सुपरमार्केट गए थे तो वहाँ से हमने ब्रेड ली और एग लिए और अब इसमें हम बनाएंगे टोस्ट टाइप में कुछ। तो सारे बर्तन ले लिए हैं। तो ब्रेड इतनी बड़ी है देखो यहाँ की। मैंने अभी इसको यहाँ पर अंडे को इसमें लगा के यहाँ पर टोस्ट कर रहे हैं, मज़ा आएगा। अच्छा तो ये यहाँ का एक किचन हमारा, इसमें हम बनाते हैं। और ये इस टाइप का बेड सिस्टम होता है यहाँ पर, डॉमिट्रीज बोलते हैं इनको। ये हमारा वॉशरूम। सो ये वाली ब्रेड हमने खा लिया, इसके बाद हमारे पास छोटी ब्रेड भी थी तो हमने सोचा पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। टेस्टी हो रहा है, तर इंडिया जैसा टेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ नमक नहीं है, मसाले नहीं है, ऐसे पता नहीं कौन से मसाले है वो यूज़ कर ले रहे, तो नमक का टेस्ट आ नहीं रहा। कल भी ऐसे खाया किसी दिन मैगी खा रहे वो सही हो रहा। तो फिलहाल तो अभी हम करते नाश्ता और दूध और टोस्ट। और जो ये दूध है ना, इसको क्या बोलते हैं, गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ठंडा भी पी लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना, शेयरिंग फ्रीज होती है, जिसको अपना सामान ला के बनाना है खुद बनाओ। तो अभी यहाँ पर और लोगों के भी सामान है, हमारे सामान नीचे रखा गया है, तो लोग अपना सामान लाते हैं खुद बनाते हैं, ऐसा है कुछ यूरोप। अगर ये इंडिया में होता है ऐसा कि फ्रिज के अंदर सामान रख दो ही रख दो तो किसी का सामान नहीं मिलता वहाँ पर यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि वही किसी का सामान लेता नहीं है, अपना रहो, अपना बनाओ, खुद खाओ। तो गाइस, ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी हम लोग जा रहे हैं लुधियाना सेंटर, यहाँ का टाउन है। हमें कुछ चीज़ लेनी है वहाँ पर से, तो अभी आपको दिखाऊंगा वहाँ का टाउन। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं सिटी में, इसको पोस्ता बोलते हैं, पोस्ता है सिटी का नाम। तो ये सब बस स्टैंड के लिए खड़े हैं अभी यहाँ पर, और हम लोग अभी हमें मार्केट में जाना आगे। तो भाई देखो यहाँ पर कितना सही आ रहा। तो गाइस एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फिलहाल मैं अभी बस से दौड़ रहा हूँ, एक और बस लेनी है मुझे। तो आपको एक चीज़ ये बता रहा था मैं कि यहाँ पर जो अंधेरा है वो काफ़ी लेट होता है, 9:30-10 बजे के टाइम पे। यहाँ के जाड़ों के टाइम पे 2-3 दिन तक का उजाला नहीं होता है, मॉर्निंग होती है, पता ही नहीं चलता मतलब कि क्या चल रहा है बाहर, क्या टाइम हो रहा है। इस तरीके से होता है मौसम यहाँ पर, 3-3 दिन तक उजाला नहीं होता है, अंधेरा रहेगा। विंटर्स के टाइम पर यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और समर के टाइम पे यार यहाँ के लोग बिल्कुल मज़े करते हैं, आराम से अपनी चिल करते हैं लाइफ, क्योंकि यार विंटर्स का पता है कि ऐसी हालत होने वाली है। तो समर में पूरे रात भर जो 3 तक रहते ऐसे रहते हैं। तो आ गई क्या? तो ये देखो यहाँ पर। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए हैं BTC। BTC एक यहाँ की जगह है, पहले हम गए थे पोस्ता, पोस्ता में हम कुछ सामान लेता हूँ मेरा नहीं, तो अभी हम BTC आया है। BTC के ऊपर बिल्डिंग देखो भाई साहब, इतनी बड़ी, ये देख लो बिल्डिंग भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग। और यहाँ पर सामने देखो बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी है देखो भाई। हवा इतनी तेज़ चल रही है यहाँ पे, पर एक बात है, हवा चल रही है पर यहाँ पे धूल वूल कुछ नहीं उड़ती है, और पसीना वसीना कुछ नहीं आता क्योंकि ह्यूमिडिटी है ही नहीं है बिल्कुल। कारें देख लो तो नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ। तो गाइस, अभी स्लोवेनिया है कि सबसे बड़ी मार्केट BTC मार्केट, तो वहाँ मैं पहुँच गया हूँ और काफ़ी बड़ा स्टोर है हवाला। तो हवाला मीन्स होता है थैंक यू। तो उन्होंने कुछ पूछा था क्या कह रहे हैं। तो गाइस, ये है स्टोर, कितना लंबा है वहाँ से पूरा पूरे पीछे तक है। यार स्टोर में थोड़ा घूमते ना अंदर तक, बैग में डाल देते हैं इसको। और जैसा दिल्ली में DLF मॉल ये है, उस टाइप में यहाँ मॉल है, तो ये काफ़ी बड़ा है। गाइस जिस इसको इसी का नाम पता है, इस
ब्रांड का, इस कंपनी का नाम पता है कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत चलती है यहाँ। तो अभी काफ़ी देर से घूम रहे थे, थोड़ा थकान लग गई, तो हम लोग बैठे यहाँ पे और बैठने का भैया वेदर के पूरे बैठा सोफे बना रखे यहाँ पे। रूल्स रेगुलेशन में तो यूरोप सबसे आगे है। और ये हमारी जेब्रा क्रॉसिंग। तो गाइस यार अभी थोड़ी देर पहले गया था अपने कैंपस में, मैं भूल गया वीडियो बनाना वहाँ पर, क्योंकि मुझे अपना फूडिंग का काम था। फूडिंग को यहाँ पर बोलते हैं बोनी, तो उस काम से गया था, स्टूडेंट बोनी के काम से। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने रूम हॉस्टल में, और पीछे से देखो किसे देख रहा है पीछे से देख रहा है ऐसा। तो अभी फ़िलहाल अपने हॉस्टल में जा रहा हूँ, कुछ खाता हूँ वहाँ पर, कुछ बनाते हैं, क्योंकि आज बाहर काफ़ी घूम गए। और सामने भी दिखाता हूँ एक बिल्डिंग, और वहाँ पर काम भाई पेंट चल रहा है और क्लीनिंग चल रही है, खूबसूरती तो है भाई यहाँ। वो देखो भाई सामने क्लीनिंग कर रहे हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग में, इनको लग जाएंगे 2 महीने। तो भाई स्लोवेनिया में एक चीज़ देखी गई है, यहाँ साइकिल बहुत प्रेफर करते हैं लोग, मतलब बाइक कार से ज़्यादा साइकिल चलाते हैं। बाइक तो बहुत कम है, लोग यहाँ बस से ट्रैवल करते हैं और या अपनी कार से, और ज़्यादातर तो साइकिल ही है यहाँ पर। और अभी मुझे पता भी चला था कि यहाँ पर साइकिल में भी फर्स्ट भी आया था किसी चीज़ में, कोई मैराथन होती है, स्लोवेनिया नंबर 1 था। चल ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर में जाते घर को, मिलते हैं आपको अपने हॉस्टल में। बड़ी स्क्रीन है यहाँ पर टेम्परेचर दिखाने के, ये बस स्टैंड। तो गए अभी लुब्लियाना सिटी में आए थे थोड़ा सा कुछ घूमने। वाह, तो अभी कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं है, देखते कहाँ जाते करके। तो अभी घूम रहे थे तो थोड़ी देर हम लोग आए पार्क में बैठने, तो काफ़ी अच्छा पार्क है यहाँ पे एक साइड में पूरा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा पार्क, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे आराम करेंगे। देखो भैया पार्क, ये है अपने भैया फ्रेंड लोग। हेलो भैया, नहीं इसको दो ना नहीं आपको भी इस टाइप की कुछ वेंडिंग मशीन है, यहाँ पर से डालो आप पैसे और कोई से भी चूज़ करो, सीधे सब निकल जाएगा, सब चीज़ें एक टू जेड है। कॉफ़ी भी तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा अपने पहले वाले ब्लॉग में, कि लुब्लियाना फेस्टिवल होता है यहाँ पर, हर रोज होता है यहाँ पे, गवर्नमेंट पे करती है इसको। और ये देखो ये कासिल है, एक कासिल ऊपर है, यहाँ रोज होता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये यहाँ पर रोज होता है, आपको मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट पे करती है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो समर के टाइम पे यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब एक्टिविटी करते हैं, और यहाँ पर ये रोज कॉन्सर्ट चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जाड़ों के टाइम पे मैंने आपको बताया कि बर्फ़ हो जाती है चारों तरफ से, कुछ काम नहीं होता है। अभी समर अपना पूरा मस्त तरीके से करके बिताते हैं, आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ वैसे यहाँ पर चल रहा है। Se fa lì per te.